अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्तांबुल अहमदी अगेन। वेल गाइस, ये हमने एक सिस्टम इंस्टॉल किया है 5 किलोवाट का SP5G हाइब्रिड इन्वर्टर है, ये नेटवर्क का इन्वेस्ट लेकर आया है इसको, इन्वेस्ट से है ये, और इस पर हमने इंस्टॉल किए हैं 400 वाट्स के जे सोलर पैनल आपको दिखाते हैं। आठ पैनल की एक स्ट्रिंग बनाई है, और इसी क्लाइंट के पास पुराने पैनल थे, 3 किलोवाट का सेटअप लगा हुआ था, उसके 8 पैनल लगे हुए थे 350 वाट के अनोन पैनल, तो वो भी हमने एक स्ट्रिंग दिए। एज यू कैन सी वी हैव 2 MPPT हियर, सो हम 1 MPPT में जे सोलर लगाएंगे 400 वाट के, 8 पैनल की सीरीज है, और सेकेंड पर हम लगाएंगे 315 वाट के 8 पैनल। अच्छा गाइस, ये इसमें जो PV इनपुट है इसकी 5.5 किलोवाट है, और इसमें वाई फाई मॉड्यूल लगा हुआ है, और इसकी ये ड्रेसिंग हमने की थी, ये तो आप देख लीजिए, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पहले अगर आप इसका डिस्प्ले निकाल लूँ, ये इसका डिस्प्ले है मेन। इसके डिस्प्ले पर इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:59, यानी 6 बज रहे हैं। 6 बजे हमारे पास 154 वाट्स आ रहे हैं, और 300 वाट्स हमारे पास आ रहे हैं 0.5 एम्पीयर। और उसके बाद ये ग्रिड है, ग्रिड से इस वक्त हम बाय कर रहे हैं 846 वाट्स, और अभी तक हम परचेस कर चुके हैं ग्रिड से 14.2 किलोवाट आवर सिंस वी स्टार्टेड, और लोड हमारा चल रहा है 917 वाट्स का। बैटरीज हमारी 100% चार्ज है। अच्छा, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसमें हमने 3 फेज का वोल्ट मीटर यूज़ किया है। पहला फेज़ हम देंगे इनका, एक और सिस्टम इंस्टॉल करेंगे हम 3 किलोवाट का, तो उसमें 3 किलोवाट की हमारे पास आ जाएगी, एस पर हमारा इन्वर्टर है और टी पर हमारा ग्रिड है। चेंज ओवर लगाया 102 इस पर हमने, फर्स्ट पे वाटर सोलर है इन्वर्टर की आउटपुट, और सेकंड पर जो है ग्रिड की आउटपुट है की इलेक्ट्रिक की। इस पर लोड चला है 3.2 एम्पीयर्स का। वेल गाइस, इसके कनेक्शन हैं एम्पीयर मीटर के, ये कनेक्शन हैं वोल्ट मीटर के, ये हमारा 32 एम्पीयर्स का चेंज ओवर। इस पर केबल यूज़ किया हमने 4 mm 2 कोर कनेक्शन पर। बैटरी PV पर हमने जो ब्रेकर लगाया है वो लगाया है 1000 वोल्ट्स में, श्नाइडर का IC6363 एम्पीयर्स का जो हम यूज़ करते हैं। PV पर हमने यूज़ किया 4 mm की 2 कोर केबल, और 32 एम्पीयर का हमने और सोलर के आउटपुट पे लगाया, और एक और 32 एम्पीयर का ब्रेकर हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की आउटपुट पे लगाया। जो सोलर की आउटपुट आ रही है वो ब्रेकर में आ रही है, ब्रेकर से होती हुई चेंज ओवर में जा रही है, चेंज ओवर की आउटपुट जो है वो हमारे 32 एम्पीयर के दूसरे ब्रेकर में आ रही है CT से होती हुई, और इससे फिर हम आउट कर रहे हैं। अच्छा, साथ में 63 एम्पीयर्स का ब्रेकर लगा हुआ है, इसमें ऊपर आप देख रहे होंगे डुअल कनेक्टेड है, ये एक जो है वो इन्वर्टर को जा रहा है ब्रेकर के आउटपुट से एक लाइन, और एक लाइन जा रही है हमारे चेंज ओवर में। ये हमने हैगर के ब्रेकर यूज़ किए हैं AC पर, और बैटरी बैंक पर हमने यूज़ किया है मित्सुबिशी 80 एम्पीयर AC DC ब्रेकर, और इस पर जो हम बैटरी बैंक यूज़ कर रहे हैं वो SGS की बैटरीज हैं, टॉल ट्यूबलर, सॉरी SES फिनिक्स कंपनी की गालिबन बैटरीज हैं ये 185 एम्पीयर आर की, एंड सेम 20 आवर्स ये 185 एम्पीयर आर की बैटरी से उस वक्त है जब डिस्चार्ज रेट 5% होगा पर आर, अगर कम होगा तो ज़्यादा बैकअप मिल सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा डिस्चार्ज रेट होगा तो इसकी आर्ली ब्रेकअप टाइम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वेल गाइस, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वाईफाई ऑन करो और नोटिफिकेशन बार पे लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ जो हैं नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहें, और आपको भी सोलर पैनल भी दिखा देते हैं। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।